नमस्ते, ये मेरा कपास का 5 एकड़ का प्लॉट है। अभी इसमें एक भी स्प्रिंग नहीं हुआ है। अब गए लगभग 1 महीने से बारिश हो रही है, पूरी ज़मीन गीली है। इसमें भी येलो स्टिक स्ट्रैप लगाए, देखिए इसमें कितनी मक्खियाँ चिपक गई है, बड़ी बड़ी मक्खी चिपक गई। इसका मतलब इसमें चिकनापन बहुत है। अब इतनी बारिश होने के बाद में भी इसमें सभी सफ़ेद मक्खी या रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो पूरी तरह से इसको चिपक गए हैं। और लगभग 50 ट्रैप पर एकड़ में मैंने इसको लगाई है। और इस कपास में अभी भी एक भी स्प्रिंग नहीं हुआ है, नहीं इसमें एक भी स्प्रिंग नहीं किया है। 3x9 इंच के हिसाब से इसको हमने लगाया है। अभी इसमें काफ़ी फल लगे हुए हैं, कम से कम ऊपर से भी फल है, नीचे से भी बहुत सारे फल लगे हुए हैं। एक भी स्प्रिंग नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें कम से कम हमारे गांव में 4 या 5 स्प्रिंग अभी तक कपास पे हो चुके हैं। मतलब 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा मेरा बच गया है। इसमें मैंने क्या किया कि इसमें कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसको दिया है, वो भी लेट दिया है। छोटा पौधा था तब बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं दिया ना। अगर छोटा पौधा रहते थे, अब फर्टिलाइज़र कुछ लोग दे देते हैं तो उसमें सकिंग पेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है। यूरिया का ज़्यादा अगर अपन यूज़ करते हैं तो सफ़ेद मक्की, तुड़तुड़े या मावा इसमें आ जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, फ्रेश है बिल्कुल। देखिए आप, सफ़ेद मक्की कहीं की दिख रही है, तो ये येलो स्टिक से आपसे कवर हो जाएगी। तीन बाय नौ इंच पे लगाई है तो इसका मतलब 14-15 हज़ार के करीब इसमें पौधे अभी पर एकड़ में है। वो हिसाब से इसमें एवरेज काफ़ी अच्छा आएगा। और इसको निकाल के तुरंत इसमें मेरे पास 70 दिन वाला चना है, वो उसमें लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। अगर आप मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप भी अपने खेत में अब खर्चा कम करो। सब प्रोडक्ट के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, फर्टिलाइज़र के रेट बढ़ गए और दवाई के भी रेट बढ़ गए, तो इस हिसाब से खर्चा कम करो, खेतों में पौधों की संख्या बढ़ाओ और अपना अच्छा उपज ले लो। 4-5 साल से मैं यही कर रहा हूँ, पौधों की संख्या ज़्यादा रख रहा हूँ, उस वजह से मुझे एवरेज अच्छा आ रहा है और ख़र्चा बहुत कम हो गया। धन्यवाद।